नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुशील चावलानी, मेरे चैनल भारत दर्शन में सुशील चावलानी में आपका स्वागत है। आज हम कटरा से जम्मू तवी के लिए आपको ये यात्रा दिखाएंगे। वैसे मैं जाने तो वाला, इसमें मालवा एक्सप्रेस मेरे पीछे आप खड़ी है, आप देख सकते हैं ये गाड़ी। और अभी इसमें हम जाने तो वाले हैं आगरा तक, पर मैं आपको यात्रा जो है सिर्फ जम्मू तक दिखाऊंगा, क्योंकि रूट देखने वाला है कटरा से जम्मू तवी के लिए। और आप हमारे साथ बने रहिए। ये लो जी, हमारी गाड़ी का सिग्नल हो चुका है। हमारी गाड़ी यहाँ से चलती हुई कटरा स्टेशन छोड़ती हुई आप देख सकते हैं, वही माता रानी का त्रिकुट पर्वत। देखिए आप, चढ़ाई करने का साधन यहाँ से साफ दिख रहा है, वो रास्ता जा रहा है, आप देख सकते हैं वो सामने रास्ता है, आपको दिख रहा हो दिख रहा हो, ये रास्ता ये ऊपर जा रहा है, ये सामने आरती कुमारी है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये आरती कुमारी है, वाइट वाइट सा दिख रहा है, वाइट वाइट सा ही आरती कुमारी है। कानूनी खाल, ये बरसाती पानी के लिए ब्रिज बना हुआ है, वो सामने देखते हैं हेलीकॉप्टर, छोटा सा ये। यहाँ की पहली सुरंग है ये, स्टेशन से निकलते ही, कटरा स्टेशन से निकलते ही गाड़ी हमारी सुरंग में एंटर कर रही है। यहाँ से जम्मू 77 किलोमीटर का हमारा सफर है जम्मू तक। यही दिखाने का मोटिव था, आप देख सकते हैं कि इधर इस रूट को चालू होने में इतना टाइम क्यों लगा। ये इसलिए लगा इतनी बड़ी बड़ी टनल्स बनाने में, इसलिए आपको मैंने ये टनल्स रेगुलर बिना कट करे दिखाई। दो टनल्स आई बड़ी और एकदम रेगुलर, तो आप समझ सकते हैं इतना टाइम क्यों लगा इसको बनाने में। आप समझ सकते हैं ये रूट इसलिए बहुत टाइम बाद चालू हुआ, इसमें काम बहुत पहले से चल रहा था, कुछ ब्रिज बनने थे,
कुछ सुरंग का काम इतना चल रहा था, टनल्स बहुत लंबी लंबी बननी थी, पर अब ये हमारा हमारी गवर्नमेंट के लिए एक सफलता थी बहुत बड़ी, जो कि सदियों तक याद रखी जाएगी। इसलिए मैं आपको ये रूट दिखा रहा हूँ, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी कुछ ऐसे नज़ारे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों बाहर का नज़ारा तो मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं अंदर आ चुका हूँ। हम इस वक्त एक बार आप फिर से आपसे जुड़ रहे हैं। हम इस गाड़ी में बैठे हैं जो मालवा एक्सप्रेस है, ये श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चालू होती है और लास्ट इसका श्री अम्बेडकर नगर इसका स्टेशन है लास्ट। और इस वक्त मैं आपको जो जर्नी दिखाने वाला हूँ सिर्फ श्री माता वैष्णो देवी से जम्मू तवी तक दिखाने वाला हूँ, जिसके बीच में इसके तीन होल्ट हैं, चक्रखवाल, रामनगर और उधमपुर। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसी जम्मू कश्मीर का नज़ारा है, जाए हम इस एरिया में आते हैं, देखिए अब कितनी सुंदरता है, आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है, इसी चीज़ का मज़ा आता है, जो बल्कि कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, जो मैं देख पा रहा हूँ वो अलग ही है। और ये हमारा शहर स्टेशन आने वाला चक्रखवाल, फर्स्ट स्टेशन हमारा हॉल्ट आने वाला गाड़ी का। गाड़ी सुबह की है इसलिए इसके जम्मू तक दो तीन हॉल्ट बनाए गए हैं, कि जो जनरल पैसेंजर है वो भी इसमें जम्मू तक कर सके, कटरा से जम्मू। इतना सुंदर पहाड़ों के बीच बसा हुआ स्टेशन, आप देख सकते हैं कैसी ग्रीनरी पहाड़ों पे। छोटे छोटे से रोड जा रहे हैं साइड से, छोटा सा स्टेशन है। यहाँ इस गाड़ी का पहुँचने का जो टाइम है 8:49 है, गाड़ी हमारी 10 मिनट लेट आ रही है। अभी हम उधमपुर के आउटर पे हैं, उधमपुर स्टेशन पे ही हम जाने पहुंचने वाले हैं, गाड़ी हमारी करीब 7 से 8 मिनट लेट है। और अभी आपको मैं उधमपुर स्टेशन की एंट्री दिखाता हूँ, जहाँ पे अभी हम आउटर पे हैं। अभी भाई शांत सुथरा, साफ सुथरा, शांत सा माहौल वाला उधमपुर स्टेशन। आपको कभी श्रीनगर जाना हो, कश्मीर में जाना हो, अंदर एंटर करना हो, तो आप यहाँ उधमपुर से उतरकर आप श्रीनगर के लिए शेयर टैक्सी भी ले सकते हैं। सुशील चावलानी, भैया पूछ रहे थे आपके चैनल का नाम क्या है और आप हमारा भी लोग, इसलिए मैंने उनको बताया। अभी ये गाड़ी हमारी उधमपुर स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे लगती हुई, गाड़ी का 9:06 का टाइम है, गाड़ी यहाँ पे करीब 8 से 9 मिनट लेट आ चल रही है, पर इसको लेट नहीं कहेंगे हम आपको। हाँ हम कहाँ थे, आपको कहीं श्रीनगर कश्मीर के लिए शेयर टैक्सी चाहिए तो आपको यहाँ से मिल सकती है, बनिहाल के लिए चाहिए यहाँ से मिल सकती है, रेलवे स्टेशन के बाहर से आप पकड़ेंगे तो बहुत महंगी मिलेगी। यहाँ कोई एक चौक है यहाँ से 1.5 किलोमीटर बाहर, जहाँ टैक्सी स्टैंड है वहाँ से आपको शेयर टैक्सी बहुत ही अच्छे रेटों मिल जाएगी, और बुकिंग भी करने जाते हैं तो वहीं से ही करिए। हमारी गाड़ी का सिग्नल हो चुका है, देख सकते हैं आप, जब ट्रेन कर्व लेती है बड़ी प्यारी लगती है, आपने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा। और ऊपर से ऐसी वादियों के बीच पहाड़ों को चीरती हुई मालवा एक्सप्रेस से निकलती है तो और ज़्यादा सुंदर लगती है। क्योंकि यात्री ज़्यादा नहीं है इन स्टेशनों से, पर एक वही सिमिलर सभी चीज़ें यहाँ पे हर गाड़ी को अटेंड करने के लिए रेलवे पुलिस रहती है। आप देख सकते हैं कैसे गार्ड मुस्तैदी से करते हुए सुरक्षा के लिए हमारे। लीजिए दोस्तों पीछे का व्यू देखिए, और मैं सीट पे बैठा हूँ यहाँ पर बाहरी गाड़ी से, आप देख सकते हैं कैसा स्टेशन है, और पीछे मेरे पूरी हरियाली लगी पड़ी है, पीछे डीपली पहाड़ भी है जो हो सकता है इसमें ना दिख रहा हो। और आप देख सकते हैं अभी हमारी ट्रेन का हॉल्ट है यहाँ पे 2-3 मिनट का, इसलिए मैं बैठा हूँ। अब ट्रेन का सिग्नल हो रहा है शायद, मैं चलता हूँ ट्रेन के अंदर, आपको मिलता हूँ।
something reminds me of you. But everything is not tonight. Really hot by the ocean. And all of those white hot sands. Where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. हम पहुंच गए जम्मू तभी और ये थी हमारी मालवा एक्सप्रेस जो कटरा से चली थी जम्मू के लिए. पहाड़ों को चीरती हुई जर्नी आई है. आपको जर्नी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. और जो भी आपके मन में हो वो कमेंट कर दीजिएगा. दोस्तों आज के लिए बाय बाय और हम अगले ब्लॉग मिलेंगे. और आपको यात्रा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा.